गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई टीच यू अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द थर्ड स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार. अब मैं आपको की फोटो दिखाने जा रही हूँ, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपको कैसे खड़े होना है. अपने दोनों पैरों को जॉइंट करना है, उसके बाद अपने आप को, अपनी बॉडी को पूरा पूरा डाउनवर्ड लेके आना है और अपना टो को टच करना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टेप्स. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप, exhaling, bend the upper part, keep the leg straight and hand close to the ears. Second, place both the palms on the ground close to the feet. Try to touch the forehead to the knees. Maintaining the balance, hold this posture for some time. Students, हमने अभी तक आपको इंग्लिश में समझाया था, अब हम आपको हिंदी में बताने जा रहे हैं. Exhaling का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ते हुए. अपनी अपर पार्ट, यानी जो अपनी अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, उसको धीरे धीरे बेंड करते हुए आपको अब नीचे लाना है अपने दोनों लेग्स के पास, और अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखना है. एकदम आपके कानों से दोनों हाथ आपके टच होने चाहिए, ठीक है. दूसरे स्टेप्स में आपको क्या करना है, अपनी दोनों जो प्लाम्स, गद्दियाँ, जो हाथ की गद्दियाँ होती हैं, उसको ग्राउंड पे, ज़मीन पे रखना है अपने फीट्स के पास, अपने टोस के पास. और ट्राई टू टच फोरहेड टू नीज, अपने जो मत्था होता है, फोरहेड होता है, उसको अपने घुटनों से टच कराना है, ठीक है. थर्ड स्टेप में आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना है, ना इधर हिलना ना उधर हिलना, बैलेंस रखना है अपनी बॉडी को, और इस पोस्चर को थोड़ी देर तक करना है, ठीक है. ये आपका थर्ड स्टेप है, ओके. और ये आपके थर्ड पोस्चर या स्टेप की इमेज है, जिसे आपको ऐसे करना है. ये मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, ठीक है. अब हम आपको फोर्थ स्टेप बताने जा रहे हैं, ओके. सो ये आपका फोर्थ पोस्चर है. अब हम आपको इसकी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं, ठीक है. देखिए, ये आपका फोर्थ पोस्चर है. आपको अपने राइट पैरों को आगे करके दोनों हाथों से अपने जो प्लाम्स, गद्दियों से अपने ग्राउंड को छूना है, और एक पैर को स्ट्रेट रख के ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है. ये है आपका फोर्थ स्टेप. अब हम आपको स्टेप्स में समझाने जा रहे हैं, ठीक है. इनहेलिंग, सांस को अंदर लेते हुए, प्लेस बोथ द प्लाम्स फॉर्मली ऑन द फ्लोर टू टेक राइट लेग बैकवर्ड इन अ स्ट्रेट पोजिशन. सेकेंड स्टेप, बेंड द लेफ्ट लेग एट नी एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ आर्म्स. थर्ड स्टेप, स्ट्रेच योर नेक बैकवर्ड एंड चेस्ट फॉरवर्ड. फोर्थ स्टेप, मेंटेनिंग द बैलेंस, होल्ड दिस पोस्चर फॉर सम टाइम. ओके, अब हम आपको इसी को हिंदी में समझाएंगे. इनहेलिंग, सांस को अंदर लेते हुए,
आपको अपने दोनों गद्दियों को फॉर्मली धीरे धीरे ज़मीन पे रखना है। अपने जो राइट लेग है उसको पीछे ले जाना है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में बेंड लेफ्ट लेग, अपने लेफ्ट लेग को आपको बेंड करना है नीज के बल पे और अपने दोनों आर्म्स के बीचों बीच में आपका लेग आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेच योर नेक बैकवर्ड एंड चेस्ट फॉरवर्ड, अपने नेक को आपको पीछे की तरफ ले जाना है और अपनी चेस्ट को आपको आगे की तरफ ले आना है, खींच के मतलब हल्का सा स्ट्रेच करके जैसे आप स्ट्रेचिंग करते हैं। मेंटेनिंग द बैलेंस, होल्ड दिस पोस्चर फॉर सम टाइम। फिर से आपको इसको मेंटेन करते हुए बैलेंस और इसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है, वैसे ही बैठे रहना है, ठीक है। आपको फिर से इमेज हम दिखा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके फोर्थ स्टेप की इमेज, ठीक है। आज हमने आपको पूरा फोर्थ स्टेप तक बता दिया है। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको पांचवें यानी फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप के बारे में बताएंगे। ओके, सो गुड बाय।